ऑब्जेक्टिव शीट में पहला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्योंकि करेक्टनेस चेक करनी है, आप घर से करेंगे चेक। दूसरा भी करेक्टनेस चेक करनी है, होमवर्क है, ये करेंगे। इस क्वेश्चन को देखें क्या क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन बाय, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन बाय छोटा n, जिसका फॉर्मूला गिवन है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, 1, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल का तो डायमेंशन फॉर्मूला होता ही नहीं, वो तो नंबर है, तो कायदे से क्या होना चाहिए, 1। लेकिन उसने बड़ी चलाकी से क्या किया, आधी स्टेटमेंट लिख दी फॉर्मूले के लेफ्ट में और आधी स्टेटमेंट फॉर्मूले के राइट में। सेंटेंस कंप्लीट पढ़ूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन आर क्रॉसिंग यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली इन यूनिट टाइम। तो एक कंप्लीट सेंटेंस पढ़ेंगे तो एन का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कंफ्यूज करने के लिए फॉर्मूला बीच में फिट कर दिया, फॉर्मूले को एंड में लिखता ना फिर पता लगता कि एन का मतलब पूरा ये है। तो समझ में आ रहा है, तो एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और जब हम फिजिक्स में बोलते हैं पर यूनिट एरिया यूनिट टाइम, तो एरिया और टाइम डिनोमिनेटर में। तो स्मॉल एन का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल एन क्या चीज है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बोलो, नंबर ऑफ पार्टिकल का 1, एरिया का एल स्क्वायर, टाइम का टी, ये बनेगा। पहला स्टेटमेंट क्लियर है, कोई डाउट इसमें। उसके बाद वो कह रहा है n1 n2 आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो n1 n2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, 1, वॉल्यूम क्या है, l क्यूब, तो l की पावर -3। क्लियर है यहां तक, तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम इज l की पावर -3। कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है x1, x2, x एक्सिस का डिस्टेंस है, तो x1, x2 का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ का, क्योंकि x क्या होती है, लेंथ होती है अलोंग x एक्सिस, तो x1, x2, l है। तो अब आपको ये पता लग गया x1, x2, l है, n1, n2 का डायमेंशन फॉर्मूला पता लग गया, n का पता लग गया, आपको d का निकालना है, क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, d निकालो वैल्यू पुट करके, वैल्यू पुट करो, कैपिटल D का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा ये निकालो। इसके अंदर ये फॉर्मूला लिखा आप लोगों ने, कैपिटल डी एक तरफ, बाकी टर्म क्रॉस मल्टीप्लाई से फॉर्मूला बना लिया। अब ये बताओ एन का डायमेंशन फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, एल माइनस टू टी माइनस वन पुट कर दिया, एक्स टू एक्स वन क्या था, एल, लेंथ में से लेंथ की टर्म माइनस करेंगे तो आंसर एल ही आएगा, डिनोमिनेटर में एल की पावर -3, एल की पावर -3, दोनों को माइनस करके भी एल की पावर -3, सॉल्व कर ले आंसर।
माइनस साइन का चक्कर नहीं है, माइनस साइन से डायमेंशन फॉर्मूला चेंज नहीं होते, नेगेटिव डायमेंशन फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो n नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं लेना, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम लेना, ठीक। नेक्स्ट, ये इनकरेक्ट करेक्ट होमवर्क है। नेक्स्ट में आपने ना ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन देखो। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पहली बार दूं, मतलब पहली बार दे रहा हूं रादर, और कहूंगा कि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, आपको ट्रिक ना बताऊं, तो पता क्या करोगे, वेलोसिटी वी ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ, तो वी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा रेज टू पावर ए, डेंसिटी रो रेज टू पावर बी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेज टू पावर सी, फिर बनाओगे ए बी सी, फिर सॉल्व करोगे, फिर कहोगे सर आंसर आ गया, जब तक तो आपका टाइम ही निकल जाएगा पेपर का, सॉल्व ना होगा पेपर। देखो अगर तो आया स्कूल में सब्जेक्टिव, फिर तो ए बी सी बनाना पड़ेगा, अगर आया ऑब्जेक्टिव भूल के भी ए बी सी मत बनाना, सीधा उठाओ ऑप्शंस, पहला ऑप्शन उठा लो, इसके लेफ्ट में पुट करो वेलोसिटी एल टी माइनस वन, जी का मतलब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लैम्डा का मतलब एल, सॉल्व करके देखो, अगर ये लेफ्ट और राइट बराबर आ गए समझो ए ऑप्शन ही आंसर है, इसमें नहीं आए उठाओ बी ऑप्शन, ये रहा वेलोसिटी एल टी माइनस वन, जी का मतलब एल टी माइनस टू, लैम्डा का मतलब लेंथ, सॉल्व करो वेरीफाई करेक्ट आ गया, जो करेक्ट आ जाए वो उठा के पुट कर दो, कोई एबीसी चाहिए ही नहीं, डन आंसर, ये ज़्यादा सही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूनिफॉर्म डायमेंशन का बहुत बढ़िया है, सॉल्व ही नहीं करना ना ए ना बी ना सी ना लीनियर इक्वेशन, जिंदगी में इतने चक्कर है ही नहीं, उठाया ऑप्शन लेफ्ट राइट चेक किया डन हो गया यूनिफॉर्म डायमेंशन कंप्लीट, समझ में आ रहा है यहाँ तक। जैसे जैसे सपोज ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन पढ़ो, पेन को हाथ भी नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि उसने कहा जो भी प्रूव करना है सरफेस टेंशन डिपेंड्स अपॉन मास एंड प्रेशर। अब सुनो कोई बच्चा एस डिपेंड्स अपॉन एम रेज टू पावर ए, प्रेशर रेज टू पावर बी, अब मैं सॉल्व करूंगा, मैं क्लास में फर्स्ट आऊंगा, कैसे फर्स्ट आओगे तुम,
तुम एंड की लाइन पढ़ो, कांस्टेंट क्या है हाफ, और ए ऑप्शन में कांस्टेंट क्या है 1/3, गलत, ये तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट में कांस्टेंट क्या है 1/3, गलत, हो नहीं सकता। तो ऑप्शन क्या है, सी दिख तो रहा है आपको, गए जरूरी थोड़ी ना है, नन भी तो हो सकता था। तो कोई बात नहीं, एस इज इक्वल टू पी आर को साइड पे रख लो, एस फॉर सरफेस टेंशन, पी फॉर प्रेशर, आर फॉर लेंथ, वेरीफाई करो, करेक्ट आ रहा है, देखो अब तो पक्का ही सी है। एस की जगह सरफेस टेंशन, पी फॉर प्रेशर, आर फॉर लेंथ। सर क्वेश्चन तो देखना ही नहीं ना इसमें, मैं ये तो समझा रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ के तो इमोशनल होना ही नहीं, मैं तो कहता हूं क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत क्या है, सीधा ही ऑप्शन मार्क कर लो इसमें, ये क्वांटिटी देखो, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, जो वेरीफाई होगा डन, क्वेश्चन क्या करना पड़ गया इसमें, ये तो मजे की बात है। क्वेश्चन तो मुझे समझ में नहीं आया क्या है, मैं तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, मैं तो सीधा ऑप्शन उठा के पुट कर दी, डन हो गया, यही तो मजे की बात है। ऑब्जेक्टिव में बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर ठीक हो जाते हैं इन्होंने, तभी तो कह रहा हूँ सबसे आसान चैप्टर किसी भी कॉम्पिटिशन का यूनिट्स एंड डायमेंशन ही है, उसमें लेफ्ट और राइट तो चेक करने हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है पढ़ लो क्वेश्चन, क्वांटिटी तो पढ़नी पड़ेगी, क्वांटिटी तो पढ़ लो कि क्या क्या क्वांटिटीज हैं, ईटा क्या है, वेलोसिटी क्या है, ये तो पढ़ लो। अगर सीधे रास्ते चले कि जो कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी है डिपेंड्स अपॉन वेट रेज टू पावर ए, ईटा रेज टू पावर बी, आर रेज टू पावर सी, ए बी सी बनाओ, सॉल्व करो, पता नहीं क्या कुछ करो, कुछ ना करो, मेरे को नहीं पता क्वेश्चन क्या है। पहला ऑप्शन उठा लिया मैंने, डायमेंशन फॉर्मूला पुट कर दिया, वेलोसिटी एल टी माइनस वन है, एम फॉर मास, जी फॉर एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ईटा कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, आर फॉर लेंथ, वेरीफाई करो, पहले में आंसर आ गया ए ऑप्शन, डन, आगे चेक ही नहीं करना, क्लोज। क्या मजेदार चीज है, मैं कहता हूँ ऑब्जेक्टिव आए क्वेश्चन तो आए, है कि नहीं? अब आपका सब्जेक्टिव करने का मन नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ये करने के बाद स्कूल में सब्जेक्टिव ही करना पड़ेगा, वही तरीका है, ऑब्जेक्टिव में जो मर्जी करो, आपकी मर्जी। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, देखो क्वेश्चन आया, वन एटमोसफेयर मतलब 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर को सीजीएस में कन्वर्ट करना है, आपको क्या लग रहा है, मेथड टू लगाऊंगा, M1, L1, T1, M2, L2, T2, कौन पेज कौन भरेगा? सीधा ही न्यूटन को डाइम्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10^5 मीटर को सेंटीमीटर में करो, आंसर डन, क्लोज, 10^6 डन, जिससे जल्दी आंसर आ जाए। पॉइंट समझ में आ रहे कि कैसे सोचना है इसमें?